सरकार की भी घोषणा की, मुंबई में लोकल ट्रेनों में एसी डिब्बा लगेगा। इसके अलावा चुनिंदा ट्रेनों में राजधानी और शताब्दी जैसे दो दो डिब्बे लगाए जाएंगे। रेल मंत्री ने बजट में सीधा किराया तो नहीं बढ़ाया, लेकिन सुपरफास्ट और रिजर्वेशन चार्जेज बढ़ने की वजह से सफर में 10 से 50 रुपए तक का सफर महंगा हो गया है। रेल मंत्री ने बजट में सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने इलाहाबाद कुंभ हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे हालात से निपटने के लिए और सावधानी बरती जाएगी, आपात योजनाएं बनाई जाएंगी। रेल नीर के 6 नए बॉटलिंग प्लांट भी लगाए जाएंगे, इनमें से एक उत्तर प्रदेश में लगेगा। पवन बंसल ने रायबरेली, भीलवाड़ा, बीकानेर, मिसौर, प्रतापगढ़, चंडीगढ़, कालाहांडी, कुरनूल और सोनीपत में रेल से जुड़ी नई फैक्ट्रियां लगाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोनीपत में रेल डिब्बे बनाने का एक कारखाना भी लगाया जाएगा। इस कारखाने में टक्कर रोकने में समर्थ बोगियों का निर्माण होगा। वहीं रेल मंत्री पवन बंसल ने यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में रेल का पहिया बनाने की फैक्ट्री लगाने का भी ऐलान किया। इस फैक्ट्री का निर्माण राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की मदद से किया जाएगा। साथ ही चंडीगढ़ में मॉडर्न सिग्नल सिस्टम फैक्ट्री भी लगाई जाएगी। रेल मंत्री पवन बंसल के पहले और यूपीए 2 सरकार के आखिरी बजट को विपक्षी पार्टियों ने जनविरोधी और रायबरेली का बजट बताया है। रेल बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने कहा कि इसमें एनडीए शासित राज्यों में से भेदभाव किया गया है। वहीं बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने भी कहा कि ये रेल बजट नहीं रायबरेली बजट है, एक स्थान का नाम 3 से 4 बार लिया गया है। जाहिर है कि विपक्षी दलों में नाराजगी होगी। उन्होंने कहा है कि चापलूसी का बजट है। मुझे लगता है कि आज जो दृश्य उपस्थित हुआ, इतना विभत्स दृश्य किसी दूसरे रेल मंत्री के बजट पेश करने के समय नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने, जैसा कि आपने सुना होगा, सदन में नारा लग रहा था कि ये रेल बजट नहीं है, रेल बरेली बजट है। समाधान की भावना आज सांसदों में दिखी, इसलिए बजट का भाषण रोकने की कोशिश भी सांसदों ने की। विशेषतः बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़, इन प्रदेशों के लिए कुछ भी नई योजनाएं नहीं है इस बजट में। यह बजट तो अमेठी, रायबरेली और चंडीगढ़, पंजाब, इनके लिए ही बजट दिखता है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी इस रेल बजट को जन विरोधी करार दिया है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि रेल बजट में केवल कांग्रेस शासित राज्यों को फायदा होगा। बजट में यूपी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यूपीए सरकार में महंगाई बढ़ती रहेगी और जनता इसका जवाब अगले चुनाव में अच्छी तरह से देगी। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस रेल बजट को जनविरोधी करार दिया है। इससे मुझे उम्मीद थी वर्तमान रेल मंत्री से, उन्होंने तो बना ही साफ कर दिया, इटावा, एटा, बैंकली, फरकाबाद, कन्नौज, पूरा का पूरा बदायूं से लेकर के पूरे के पूरे 6-7 जिला जहां से हम लोग हैं, वहां एक लाइन कहीं नहीं। लेकिन घाटा तो बता दिया कि इतना घाटा हुआ है, लेकिन किन कारणों की वजह से घाटा हुआ है तो इसको भी स्पष्ट करना चाहिए था, क्योंकि रेलवे विभाग एक ऐसा विभाग है, यदि इसको सही तरीके से चलाया जाए तो इससे इस विभाग में फिर घाटा नहीं हो सकता। जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाए जाने को लेकर आज होने वाले अविश्वास प्रस्ताव ने बदायूं में समाजवादी पार्टी की पोल खोल कर रख दी है। सभा प्रस्ताव पारित कराने को लेकर सदस्य पूरे नहीं कर पाए और जिला प्रशासन पर दबाव डालकर प्रस्ताव पर वोटिंग की तारीख को आगे बढ़वा दिया है। दरअसल बदायूं में इस समय बाहुबली नेता डीपी यादव की रिश्तेदार पूनम यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी और डीपी यादव के खराब संबंध सबको मालूम है और शायद इसी का खामियाजा जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम यादव को भुगतना आज तय माना जा रहा था। आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव की तारीख को 22 मार्च तय कर दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया अपर जिला जज प्रथम की देखरेख में पूरी होनी थी, लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से जिला पंचायत कार्यालय पर यह नोटिस चिपकाया गया है जिसमें 12 सदस्यों का अपहरण हो जाने और पुलिस के कुंभ में होने की वजह से अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाना दिखाया गया।
लेकिन वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम यादव का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से सपा नेताओं के हाथ की कठपुतली बना हुआ है, विपक्ष के पास पूरे सदस्य नहीं है, इसलिए प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है। सपा नेता समय देकर वोटों की खरीद फरोख्त करेंगे और शायद यह लोकतंत्र की हत्या होगी। डीपी यादव और समाजवादी पार्टी के बीच रिश्तों की कड़वाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि उसका खामियाजा जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम यादव को भुगतना पड़ रहा है। जहां एक तरफ डीपी यादव ने अविश्वास प्रस्ताव को गिराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं समाजवादी पार्टी प्रस्ताव पारित कराने को जरूरत भर सदस्य भी नहीं जुटा पा रही और जिला प्रशासन पर सत्ता की हनक दिखाकर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तारीख को आगे बढ़वा दिया है। एक बार फिर दोस्ती के रिश्ते को उस वक्त कलंकित कर दिया गया जब जिला बागपत में तीन दोस्तों ने अपने ही जिगरी दोस्त को जान से मारने का प्रयास किया। वो तो गनीमत रही, घायल दोस्त बच गया। कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्तों से बढ़कर होता है। जहां दोस्ती में दोस्त एक दूसरे के लिए जान तक दे देते हैं, लेकिन वहीं बागपत में तीन दोस्तों ने अपने ही जिगरी दोस्त को जान से मारने का प्रयास किया। जिस युवक को आप अस्पताल के बेड पर पड़ा देख रहे हैं, दरअसल इस युवक का नाम ऋषभ जैन है, जो मूल रूप से जिला बागपत का रहने वाला है। इसके पिता अंश कुमार जैन शहर के जाने माने व्यापारी हैं। बताया गया है कि ऋषभ जैन को उसके तीन दोस्त हिमांशु, शिवांग व एक अन्य ने जन्मदिन की पार्टी करने के लिए इंडिक होटल में बुलाया था, जहां चारों ने खाना भी खाया। उसके बाद ऋषभ जैन के तीनों दोस्त उसे बहला फुसलाकर खेत में ले गए और तार से गला घोटकर जान से मारने का प्रयास किया। हालांकि घटना के कारणों का पता नहीं लग सका है, क्यों ऋषभ के दोस्तों ने उसे ही जान से मारने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेल मंत्री पवन बंसल ने रेल बजट में भले ही कानपुर के लिए एक नई गाड़ी की सौगात दी हो, लेकिन कानपुर के कुलियों में मायूसी नजर आ रही है। उनका कहना है कि उनकी कोई भी मांगे पूरी नहीं की गई हैं। रेल मंत्री पवन बंसल के रेल बजट से सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन कानपुर को केवल कानपुर खुर्जा ट्रेन के अलावा कुछ नहीं मिला। कुलियों में इस रेल बजट के बाद से मायूसी छाई हुई है, क्योंकि इनको लालू और ममता बनर्जी ने वादा किया था कि इनका बिरला ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इनको गैंगमैन बनाकर सरकारी नौकरी दी जाएगी। 17 सालों में पहली बार कांग्रेस के किसी मंत्री ने रेल बजट पेश किया था। इससे कुलियों को बड़ी उम्मीदें थी कि हमारी मांगों को जरूर पूरा किया जाएगा। बाल अपराध रोकने के लिए शासन और प्रशासन जहां भरपूर कोशिश करके बाल अपराध को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, वहीं बाल अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। गोरखपुर में हाल चाइल्ड लाइन के कर्मचारियों ने 12 बच्चों को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 से बरामद किया है। यह बच्चे बंगाल से खीरी लखीमपुर ले जाए जा रहे थे, वहाँ एक स्थानीय फैक्ट्री में काम कराने हैं। जब चाइल्ड लाइन के कर्मचारियों की निगाह इन बच्चों पर पड़ी तो बच्चों से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान इन बच्चों की भाषा न समझ पाने के कारण इन बच्चों को जीआरपी के हवाले किया गया। जीआरपी ने काफी पूछताछ करने के बाद जब समझ में नहीं आया तो चाइल्ड लाइन को बच्चों को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल चाइल्ड लाइन में बच्चे इस समय मौजूद है। चाइल्ड लाइन के प्रभारी का कहना है कि बाल न्यायालय में इन बच्चों को पेश किया जाएगा और जैसा आदेश होगा उस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। कि चाइल्ड लाइन इन बच्चों को इनके माँ बाप तक पहुंचाता है या फिर उन्हीं लोगों के हवाले कर देता है जो लोग इन बच्चों को ले जा रहे थे काम कराने के लिए। आगरा थाना सैया इलाके में आज दिन दहाड़े दो बदमाशों ने बैंक में घुसकर लूट का प्रयास किया। जब बैंक मैनेजर और कैशियर ने लूट का विरोध किया तो दोनों बदमाशों ने उन दोनों को गोली मार दी, जहां दोनों को इलाज को लाते समय आगरा में मौत हो गई। आगरा में अगर अपराध की बात की जाए तो शायद हर रोज कोई न कोई घटना हो रही है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आज दिन दहाड़े एक बैंक में घुसकर बदमाशों ने बैंक के सहायक मैनेजर और कैशियर गोली मार दी। सहायक मैनेजर और कैशियर की इलाज के लिए लाते समय मौत हो गई।
मामला है थाना सैया इलाके की तेहरा चौकी का। चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर सीरियस ग्रामीण बैंक है, जहां आज दोपहर दो तीन बदमाश बैंक में घुसे और तवंजे के बल पर लूट के अभ्यास करने लगे। जब बैंक के सहायक मैनेजर संतोष कुमार और कैशियर अशोक कुमार ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने दोनों को गोली मार दी और फरार हो गई। आनन फानन में दोनों को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े हुई लूट के प्रयास और हत्या की घटना की सूचना से पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया और घटना स्थल पर दौड़ लगा दी। आगरा में अगर 3 दिन के अपराध की बात की जाए तो हर दिन कोई न कोई घटना हो रही है। लगातार हो रही वारदातों से आगरा पुलिस पर एक सवालिया निशान लग रहा है कि आखिर कब तक ये वारदातें होती रहेंगी। ये घटना महज पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर श्रेयस ग्रामीण बैंक में हुई। इस घटना से पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। खटीमा में नेपाल सीमा से लगे सुरईवन रेंज में एक महीने पहले हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूट में शामिल 2 आरोपियों सहित लूटी गई बाइक व मोबाइल को भी किया बरामद। 24 जनवरी को खटीमा के नेपाल बॉर्डर से लगे बग्गा चौन गांव के निवासी सदानंद जोशी को सुरई के जंगलों में 4 अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया व मारपीट कर उनकी बाइक मोबाइल व 11,000 रुपए लूटकर उन्हें जंगल में भागकर फरार हो गए थे। किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर पुरोहित सदानंद जोशी कोतवाली खटीमा पहुंचे व 4 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ पुलिस थाने में उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। वहीं तभी से लुटेरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस को सफलता एक माह बाद तब मिली जब मुखबिर की सूचना पर यूपी बॉर्डर पर लूटी हुई बाइक को बेचने जा रहे 2 युवकों आलम अंसारी व इमरान को धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से लूटी हुई बाइक व मोबाइल व 1,000 रुपए भी बरामद कर लिए। वहीं जिले के SSP आनंद शंकर ताकवाले ने लूट का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2,500 रुपए नगद इनाम देने की भी घोषणा की है। जस्टिस आलोक सिंह ने आज नैनीताल हाईकोर्ट में 9वें न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करी। आज नैनीताल हाईकोर्ट में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष ने जस्टिस आलोक सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस आलोक सिंह झारखंड हाईकोर्ट में स्थानांतरित होकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में आए हैं। वे पूर्व में उत्तराखंड हाईकोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट में 9वें जज के रूप में स्थान ग्रहण किया है। जस्टिस आलोक सिंह के आने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट में रिक्त चल रहे जजों के पद अब भर चुके हैं। हल्द्वानी से रेल सेवा शुरू करने के लिए लंबे समय से हो रहे आंदोलन के बाद भी रेल मंत्री पवन बंसल द्वारा पेश किए गए रेल बजट से यहां के लोगों को मायूसी ही हाथ लगी। दरअसल हल्द्वानी के लोग लंबे समय से काठगोदाम से बरेली और काठगोदाम से मुंबई तक रेल सेवा शुरू करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इन लोगों को मंगलवार को पेश होने वाले रेल बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन रेल मंत्री पवन बंसल द्वारा पेश किए गए रेल बजट में स्थानीय लोगों को सिर्फ निराशा हाथ लगी। लोगों का कहना है कि लंबे समय से रेल सेवा शुरू करने के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे थे, उसके बावजूद भी रेल मंत्री ने एक भी ट्रेन काठगोदाम से शुरू नहीं की, जिसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, लोगों ने रेल मंत्री के इस बजट को निराशाजनक बताते हुए कांग्रेस के 4 सांसदों को भी जिम्मेदार ठहराया। लोगों ने कहा, यदि सांसदों ने सही तरीके से पैरवी की होती तो काठगोदाम से रेल सेवा जरूर बहाल हो गई होती। रेल मंत्री पवन बंसल पर लोगों ने पहाड़वासियों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। विश्व प्रसिद्ध दरगाह कलिया शरीफ साबिर पाक की दरगाह है, जहां पर हर रोज देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में जायरीन अपनी मन्नत मुरादें लेकर पहुंचते हैं। पुलिस ने आज आशियाना गेस्ट हाउस पर छापा मारा, जहां पर 5 प्रेमी जोड़ों को रंगरलिया मनाते हुए गिरफ्तार किया है। ये सभी लड़के लड़कियां मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस ने सभी लड़के लड़कियों के परिजनों को सूचना दे दी है और बाद में इनको छोड़ दिया है। अब पुलिस गेस्ट हाउस स्वामी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। अभी तक गेस्ट हाउस स्वामी फरार बताया जा रहा है। बिना किसी एंट्री के, बिना किसी फोटो पहचान पत्र के सभी प्रेमी जोड़ों को कमरे उपलब्ध करा दिए गए थे। इनके घर वालों को बुला के सबको छोड़ा जा रहा है। यस यस, सब मेजर हैं। सबसे गलत है होटल वाला, होटल वाले का चालान किया जा रहा है पुलिस एक्ट के अंतर्गत, तो उसके खिलाफ कार्रवाई। यूपी
यूपीए 2 का आखिरी बजट पहाड़ों में रेल पहुंचने का इंतजार कर रहे उत्तराखंड के लिए हसीन सपनों भरा लंबा इंतजार लेकर आया है। रेल मंत्री पवन बंसल ने कनकपुर बागेश्वर और ऋषिकेश डोईवाला रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा दो अन्य रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण का प्रस्ताव है। अगर सीधा सपाट कहें तो रेल मंत्री पवन बंसल ने अपने पहले बजट में बड़ी चतुराई से अप्रत्यक्ष तरीकों से यात्रियों की जेब ढीली करने का इंतजाम किया है। उन्होंने संसद में कहा कि फ्यूल के दाम बढ़ने पर रेल किराया भी संशोधित